हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। आज का जो वीडियो है ये बेस्ड है कमेंट पर और कमेंट किया है एमएफ खान जी ने। इन्होंने लिखा है, सर अपने प्रोडक्शन में अगर हम किसी आर्टिस्ट को लेते हैं तो उसके लीगल तरीके क्या है, प्लीज रिप्लाई। तो देखिए, इनका क्वेश्चन जो है ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। यानी अगर आपके पास एक प्रोडक्शन हाउस है, आप एक प्रोड्यूसर है, आप प्रोपराइटर है, आप फिल्में बनाते हैं, तो आप कैसे लीगल तरीके से आर्टिस्ट को या टेक्नीशियंस को आप हायर करेंगे, इसकी प्रोसेस क्या है, तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, अगर आप किसी आर्टिस्ट को हायर कर रहे हैं या फिर आप किसी राइटर को हायर कर रहे हैं या फिर अदर टेक्नीशियंस से उनको आप हायर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको उनके साथ एग्रीमेंट करनी पड़ती है। वो जो एग्रीमेंट होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि विदाउट एग्रीमेंट अगर आप वर्क करें तो फिर बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए आप बिना एग्रीमेंट के काम ना करें। एग्रीमेंट में भी बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो लिखे हुए रहते हैं। मैं आपको एग्रीमेंट का भी फॉर्मेट आज दिखाने वाला हूं, तो आप पूरा लास्ट तक देखते रहिए वीडियो को। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको एग्रीमेंट करवा लेना है। एग्रीमेंट में क्या होता है, सबसे पहले तो आप अपने जो प्रोडक्शन हाउस है उसकी जो पैड रहती है, यानी जिसमें आपका प्रोडक्शन हाउस का नाम रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, एड्रेस रहती है, मोबाइल नंबर रहती है, ये आप जो एक फॉर्मेट रहती है कि आपका एक पैड रहता है, उस पैड पर आप एग्रीमेंट करवा सकते हैं। या फिर आपकी जो एग्रीमेंट लेटर रहती है वो आप टाइप करके भी एग्रीमेंट करवा सकते हैं। याद रखिए कि आप उसे एग्रीमेंट कराने के बाद कोर्ट से नोटरी जरूर करवा ले। आप नोटरी करवा लेंगे तो वो आपके लिए एक पक्का प्रूफ हो जाएगी, यानी वो पक्की एग्रीमेंट हो गई। देखिए, यहां पर बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि अपने प्रोडक्शन हाउस के जो लेटर पैड है उसमें हम लोगों ने एग्रीमेंट करा लिया, या फिर जो हम लोगों ने पेपर बनाया एग्रीमेंट पेपर उसमें हम लोगों ने एग्रीमेंट करा लिया, तो बिना नोटरी के काम चल जाएगा क्या? देखिए, काम तो चल जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वो अप्रूव्ड नहीं रहेगी। तो उसे पूरी तरह अप्रूव्ड बनाने के लिए, उसे पक्का बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसकी नोटरी करवानी होगी। तो आप उसकी नोटरी जरूर करवा लीजिए। और देखिए, फॉर्मेट क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्या जो है एग्रीमेंट की फॉर्मेट होनी चाहिए, तो वो आप एक बार देख लीजिए। मैं आपको ले चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। और आप हमारे दृश्य फिल्म्स चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसमें आप लोगों को हमारे शॉर्ट फिल्म्स मिलेंगे, वेब सीरीज मिलेंगे और हमारे आने वाली फीचर फिल्म्स की टीजर्स ट्रेलर्स भी उसी में आएंगी। तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अभी बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स उसमें आ रही है। जैसे एक हमारी कॉमेडी वीडियो आई थी यूट्यूबर्स लाइफ, उसमें हम लोगों ने दिखाया था कि यूट्यूबर की लाइफ कैसी होती है, तो वो आप एक बार देखिए, अच्छी लगी आपको। फिर कुछ दिनों पहले आई थी मस्ती की कोचिंग शाला, मस्ती की कोचिंग शाला में हम लोगों ने दिखाया है कि कैसे एक अच्छी कोचिंग रहती है, एक बुरी कोचिंग रहती है, और उसमें पेरेंट्स जो है वो फर्क नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चे उन्हें ऐसा बताते हैं। और ये हम लोगों ने कॉमेडी वे में दिखाया है, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको, आप बिल्कुल इसे देखिए। और हाँ, आप चैनल पर विजिट करेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर विजिट करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पर सर्च कीजिए दृश्य फिल्म्स, आपको हमारा चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो चलिए, मैं आप लोगों को बताता हूं कि एग्रीमेंट का क्या फॉर्मेट होता है, किस फॉर्मेट में आप आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस को हायर करेंगे। तो चलिए, मैं आपको ले चलता हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। तो देखिए, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारे प्रोडक्शन हाउस का नाम लिखा हुआ है दृश्य फिल्म्स, उसके बाद शॉर्ट एड्रेस लिखी हुई है, आप यहां पर चाहे तो फुल एड्रेस भी दे सकते हैं, यहां पर लिखी हुई है शॉर्ट एड्रेस। उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट नंबर आप देख सकते हैं कि कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर लिखी हुई है, तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा। फिर प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर इसके कौन है ये लिखी हुई है, तो आपको भी इस फॉर्मेट में लिखना है, आपको प्रोप्राइटर का नाम लिख देना, जैसे यहां पर लिखा हुआ है प्रोप्राइटर मिस्टर आकाश रजक, फिल्म राइटर डायरेक्टर। उसके बाद फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखिए, आप अपने विफ्पा का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखिए, या फिर अगर आपने इम्पा से अपने कंपनी को रजिस्टर करवाया है तो वहां का रजिस्ट्रेशन नंबर आप जरूर लिखिए। मैंने अपने कंपनी को विफ्पा में रजिस्टर करवाया है, वेस्टर्न इंडिया फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन में, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर विफ्पा रजिस्टर्ड नंबर लिखी हुई है और मैंने सिक्योरिटी पर्पज से इसे ब्लर करके रखा है। उसके बाद आप देखिए यहां पर नीचे में लिखी हुई एग्रीमेंट फॉर टेक्नीशियंस एंड आर्टिस्ट, तो आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप चाहे तो यहां पर अपना एक लोगो भी लगा सकते हैं, लोगो आप लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो प्रोफेशनल एक लुक देगा आपके एग्रीमेंट को। उसके बाद है कि दिस एग्रीमेंट मेड एंड एंटर्ड इनटू एट, एट में आपको यहां पर लिखना है कि आप किस शहर में इस एग्रीमेंट को कर रहे हैं, ऑन दिस डेट। उसके बाद आपको डेट लिख देनी है, डेट ऑफ एग्रीमेंट। बिटवीन, बिटवीन लिखने के बाद यहां पर आपको लिखना है कि किनके किनके बीच, यानी आपके बीच हो रही है, आप प्रोड्यूसर है तो आपके बीच हो रही है और जो टेक्नीशियन उनके बीच हो रही है, तो आपको यहां पर बिटवीन लिख करके
हु इज द प्रोड्यूसर हैविंग एड्रेस एट, यानी आप अपना नाम लिख दीजिए और उसके बाद हु इज द प्रोड्यूसर हैविंग एड्रेस एट लिख करके आप यहां पर अपना एड्रेस लिख दीजिए और फिर एंड लिख करके जो आप आर्टिस्ट को हायर कर रहे हैं या फिर टेक्नीशियन को हायर कर रहे हैं उनका यहां पर नाम लिखिए और फिर हु इज द आर्टिस्ट हैविंग हिज एड्रेस एट लिख करके आप फिर उनका एड्रेस लिख दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस लिखने हैं। तो देखिए यहां पर लिखी हुई द फॉलोइंग आर द टर्म्स एंड कंडीशंस। तो देखिए एक दो पॉइंट्स को मैं पढ़ देता हूं, ये देखिए आपके प्रोडक्शन हाउस पर डिपेंड करेगी कि आप क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखना चाहते हैं। एक दो को मैं पढ़ देता हूं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। देखिए हम लोगों ने क्या क्या लिखा है, देखिए थर्ड पॉइंट पे क्या लिखी हुई है, इफ सम ऑफ द सीन्स आर टू बी रीशॉट देन ही और शी शैल बी रेडी टू डू हिज वर्क। यानी यहां लिखी हुई कि अगर कुछ सीन्स को रीशूट करना है तो आर्टिस्ट या टेक्नीशियंस को अपना समय देना होगा रीशूट के लिए। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं क्या लिखी हुई है कि एनी मनी रिसीव्ड फॉर एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सब्सिडी और रिफंड्स और एंटरटेनमेंट टैक्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन कनेक्शन विद द सेड वेब सीरीज द सेम शैल बी रिसीव्ड एंड कलेक्टेड बाय द प्रोड्यूसर को प्रोड्यूसर एंड ही और सी शैल हैव नो क्लेम्स ओवर इट। देखिए शॉर्ट में मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूं कि अगर किसी भी तरह की फंडिंग फिल्म को मिलती है, चाहे स्पॉन्सरशिप से मिलती है या फिर गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है, तो किसी भी फॉर्म से मिलती है, तो वो जो पैसे है, वो जो इनकम है या वो जो अर्निंग आप बोल सकते हैं या फिर सब्सिडी है या जो भी है, वो पैसे आ जाएंगे प्रोड्यूसर के पास। उन पैसों को आर्टिस्ट या टेक्नीशियंस कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रूल्स रहते हैं, आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे रूल्स हैं, पूरी दो पेजेस की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर आप कहें तो मैं आपको एक और पढ़ के सुना देता हूँ। द वर्क ऑफ टेक्नीशियन और आर्टिस्ट शैल स्टार्ट ऑन द साइनिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट एंड विल एंड बाय द रिलीज ऑफ द वेब सीरीज। यानी आर्टिस्ट और टेक्नीशियन का वर्क जो है वो इससे स्टार्ट हो जाएगा एग्रीमेंट साइनिंग से और खत्म होगा रिलीज के बाद। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से। और देखिए आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगी। हम लोगों ने यहाँ 18 पॉइंट्स रखे हैं, लेकिन ये अगर कोई दूसरी मूवी रहेगी, दूसरी वेब सीरीज रहेगी, तो इसे हम लोग अपने हिसाब से उस समय के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट में आपको क्या लिखना है, I do hereby confirm the above and abide by all the terms and conditions of the agreement. उसके बाद सिग्नेचर ऑफ टेक्नीशियन और आर्टिस्ट, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ प्रोड्यूसर। तो ये आपने करवा लिया, ये एग्रीमेंट जो है ये आपने रेडी करवा लिया, आपने साइनिंग करवा लिया। उसके बाद आप क्या कीजिए, एक एग्रीमेंट पेपर पर इसे टाइप करवाइए और टाइप करवा करके आप इसकी नोटरी करवा लीजिए। बस ये प्रोसेस आप कर लेंगे तो आपकी जो लीगल प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है और फिर आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो याद रखिए इस एग्रीमेंट को करने के बाद आप इसे टाइप करवा लीजिए एक एग्रीमेंट पेपर पर, और एग्रीमेंट पेपर पर टाइप करवाने के बाद आप उसे नोटरी जरूर करवा लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है ये काफी पसंद आया होगा आप लोगों को, और ये बिल्कुल नया टॉपिक था जिसे MF खान जी ने पूछा, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मैंने सोचा कि चलिए इसका जवाब मैं देता हूं। हालांकि क्वेश्चन काफी दिन पहले का है, लेकिन मेरी नजर अचानक कमेंट पर पड़ी, बहुत पहले की कमेंट पर पड़ी, तो मैंने सोचा कि इसे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। तो चलिए MF खान जी, आई होप कि आपको आपका आंसर जो है वो मिल गया होगा, और सभी लोग जो इस क्वेश्चन को पूछना चाहते थे या इस क्वेश्चन के बारे में जिनको डाउट था उनको आंसर मिल गया होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।